गणपति बाप्पा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। गणपति बप्पा को इस तरीके से कचरे से भरे तालाब में फेंकने वाली और कोई नहीं बल्कि सांसद नवनीत राणा है। जी हाँ, वही नवनीत राणा जिन्होंने हनुमान चालीसा को लेकर इतना बवाल किया था। अब इस वीडियो के बाद ये सवाल उठना लाजमी है कि नवनीत जी, अब कहाँ गया आपका हिंदुत्व, अब कहाँ गया भगवान के प्रति आपकी भावनाएं? क्या इस तरीके से भगवान को, गणपति बप्पा को विसर्जित किया जाता है? क्या आपके पास इसकी कोई सफाई है? पूरे महाराष्ट्र में गणपति बप्पा का नम आंखों से विसर्जित किया गया। पिछले 10 दिनों से गणेश भक्तों ने बप्पा की सेवा में आनंदित होकर उत्साह पूर्वक गणराय की सेवा की, लेकिन शुक्रवार को बप्पा को अलविदा कहते हुए लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ जहां ऐसे भावुक माहौल में विसर्जन किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमरावती सांसद नवनीत राणा की गणेश विसर्जन विधि से नेटिजन्स काफी ज्यादा नाराज है। पूरे महाराष्ट्र में गणराय भव्यता से विसर्जित किए जा रहे थे, वहीं नवनीत राणा के घर भी बप्पा विसर्जित किए गए, लेकिन अपने विसर्जन के तरीके से वे नेटिजन्स के निशाने पर आ गए। बप्पा की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए नवनीत राणा पहले बप्पा को अपने सिर पर रखकर विसर्जन करने तालाब में ले गए और फिर मूर्ति को सीधा विसर्जन के लिए तालाब में फेंक दिया। राणा ने जिस तालाब में बप्पा को विसर्जित किया वो बहुत गंदा था। नवनीत राणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद नेटिजन्स ने नवनीत राणा को जमकर ट्रोल किया है। बता दें कि नवनीत राणा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद विरोधी पार्टी भी नवनीत राणा पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने भी पूछा है, क्या ये आपका हिंदुत्व है? इससे राणा दंपति के अब मुश्किल में पड़ने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।